अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, इवन जॉब इन्फॉर्मेशन पर आपको एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। इस वीडियो में बात करने वाला हूं पीएचपी यानी कि पंजाब हाईवे पेट्रोल के बारे में। मुकम्मल मालूमात रिगार्डिंग सैलरी, ड्यूटी, यूनिफॉर्म, पोस्टिंग, प्रमोशन, इस हवाले से तमाम तर मालूमात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो में, जिसके लिए ज़रूरी है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ताकि कोई भी अहम पॉइंट आपसे स्किप ना हो। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इवन जॉब्स इन्फॉर्मेशन पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डियर फ्रेंड, ये मेरी थर्ड वीडियो है। पहली वीडियो पंजाब पुलिस के हवाले से बनाई थी, सेकंड वीडियो SPU यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के हवाले से आपके साथ शेयर किया, और ये थर्ड वीडियो पंजाब हाईवे पेट्रोल के हवाले से शेयर करने लगा हूँ। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ सैलरी की। तो डियर फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पंजाब पुलिस की सैलरीज बताई थी, सैलरी पंजाब पुलिस और पंजाब हाईवे पुलिस की मिलती जुलती है, थोड़ी सी इसमें कमी होती है। वजह यही है कि रिस्क अलाउंस पंजाब पुलिस और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को लगा हुआ होता है, उनकी सैलरीज में ऐड होता है, लेकिन पंजाब हाईवे पेट्रोल की सैलरी में नहीं होता। लेकिन ये इतना फ़र्क नहीं है, उनकी सैलरी आपको 33 to 35 बताई थी, तो इनकी जो सैलरी है 31 to 32 होगी। इतनी सैलरी होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होगी। ड्यूटी आसान होती है। इसके बाद ड्यूटी की नौीयत में पेट्रोलिंग या गश्त करना होता है। आपको पता है कि पंजाब हाईवे पेट्रोल, ये एक्चुअली पंजाब हाईवे पेट्रोल है, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस और है, इनकी कस्टडी में मोटरवेज़ नहीं होते, इनमें सिर्फ हाईवेज़ होते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा आपके सराउंडिंग्स में भी जो हाईवेज़ हैं, शाहराएं हैं, वहाँ पर इनकी चौकियाँ वगैरह बनी होती हैं। तो इनकी चौकियों पर मतलब प्रॉपर ऑफिस होता है वहाँ पर, और इनकी दूसरी ड्यूटी होती है गश्त करना, पेट्रोलिंग या गश्त करना। चौकी पर ड्यूटीज़ भी लग सकती हैं। अब बात करते हैं ड्यूटी की नौीयत की। तो डियर फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट होंगे उनकी पेट्रोलिंग ड्यूटी या गश्त ड्यूटी लग सकती है, चौकी पर उनकी सिक्योरिटी या वेलनेस ड्यूटी लग सकती है, और जो फीमेल्स होंगी इनकी, उनकी खसूसी तौर पर जो ड्यूटी होगी कैंप सिक्योरिटी की या उनकी वेलनेस ड्यूटी होती है। आपको बताता चलूँ कि वेलनेस जो है वो पंजाब पुलिस, पंजाब हाईवे पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और नेशनल हाईवेज मोटर पुलिस, तमाम तर जो पुलिस के यूनिट्स हैं उनमें वेलनेस सिस्टम लाजमी होता है। तो वेल्थ कम्युनिकेशन के लिए खसूसी तौर पर फीमेल्स को ही डिप्यूट किया जाता है। इनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटीज़ होती हैं, मोस्टली फर्स्ट ड्यूटी करके फीमेल्स चली जाती हैं। इनकी सबसे इजी ड्यूटी फीमेल्स की होती है, कैंप सिक्योरिटी भी इजी होती है। तो ये दो इजी ड्यूटीज़ फीमेल्स को फीमेल्स को डिप्यूट किया जाता है। बाकी मेल्स का आपको बता चुका हूँ कि वो पेट्रोलिंग भी करते हैं यानी कि गश्त वगैरह भी करते हैं, और चौकी पर अपनी सिक्योरिटी भी ड्यूटी भी देते हैं। वायरलेस मोस्टली वो गर्ल्स ड्यूटी सर अंजाम देती हैं। बाकी इनको डिप्यूट भी रखा जाता है चौकी वगैरह पर, इसलिए कि खुदा न खास्ता अगर कोई रोड पर एक्सीडेंट होता है जिसमें फीमेल्स वगैरह इफेक्टेड हों तो उसके लिए फिर इनको कॉल की जाती है, ये अटेंड करती हैं एक्सीडेंट। आप जानते हैं रोड ड्यूटी में एक्सीडेंट भी होते हैं, लाजमी होते हैं, और इस हवाले से लेडीज़ स्टाफ भर्ती करना महकमा की मजबूरी होती है और ज़रूरत भी है। अब ड्यूटी टाइमिंग भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ड्यूटी नौीयत भी शेयर कर चुका हूँ। पोस्टिंग की बात करता हूँ तो आपके करीब तीन जो चौकियाँ होती हैं उन पर आपकी ड्यूटी लग सकती है, जो शहराओं में जो पॉइंट बने हुए हैं जिनके चेकिंग पॉइंट, वहाँ पर आपकी ड्यूटी लग सकती है। आप डेली आउट बैक कर सकते हैं तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई चंद एक बंदे दूर चले जाते हैं तो वहाँ पर कैंप लिविंग की सहूलत भी दी जाती है, जिसमें आपको रिहाइश वगैरह महकमाना दी जाती है और मैस वगैरह भी अवेलेबल होता है। लीव की बात करते हैं, आपको बता चुका हूँ कि अगर आप आउट बैक करते हैं तो आपकी लीव मे बी वीक में एक होती है, और अगर आप कैंप लिविंग करते हैं तो आपका मंथली रेस्ट होता है। उसके बाद अगर आप अरेंज करना चाहते हैं छुट्टियाँ अपनी तो आप म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि एक दोस्त दूसरे की ड्यूटी करता है तो फिर दूसरा पहले की ड्यूटी करता है, इस तरह से दोनों छुट्टियां कर सकते हैं, ड्यूटी भी पूरी हो जाती है और वो छुट्टी भी कर सकते हैं, इस तरह से भी होता है, लेकिन ये बाद में आपकी रूटीन बन जाएगी। अभी जो बात कर रहे हैं फर्दर यूनिफॉर्म की आप देख सकते हैं कि अच्छे कलर की होती है, और डार्क जो है इनकी पेंट होती है, लाइट जो है वो इनकी शर्ट होती है, बैजे सेम हैं, आर्म बैज होते हैं, चेस्ट बैज होते हैं, और इनकी जो बाकी यूनिफॉर्म बेल्ट शूज़ भी आर्मी शूज़ दिए जाते हैं, और अच्छा एक सेटअप होता है, इंप्रेशन अच्छा होता है, इंप्रेसिव यूनिफॉर्म होती है, और गर्मियों के लिए टी शर्ट वगैरह मेल्स को दी जाती हैं। इसी तरह से एक बेहतर एटमॉस्फेयर बन जाता है ड्यूटी का। प्रोग्रेस का शेड्यूल भी यही होता है जैसे पंजाब पुलिस में होता है, कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद असिस्टेंट सब
इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर और फिर जाकर इंस्पेक्टर की पोस्ट पर तरक्की मिलती है। लेकिन ये स्लो होता है डिपार्टमेंटल प्रोसेस। आपके लिए यही सजेशन है, आप जिस भी फोर्स में भर्ती हो रहे हों तो आपने एक चीज़ करनी है, अपनी अगर एजुकेशन आपने ग्रेजुएशन नहीं की तो ग्रेजुएशन हर सूरत मुकम्मल करनी है। अगर आपने मास्टर नहीं की, कम्प्लीट इनकम्प्लीट छोड़ रहे हैं, तो आपने वो हर सूरत मुकम्मल करनी है। और फिर जब आपको ओपन मेरिट पर रैंक सीट्स मिलती हैं किसी भी फोर्स में मिलती हैं तो आप उसमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ज़रूर अप्लाई करेंगे। आप एक इसका बेहतर फ़ायदा होगा कि आप फिनेंशली यहाँ पर फिट होंगे, तो आपका जहन सुकून में होगा, आप अच्छे से पेपर दे सकते हैं। फर्दर इस हवाले से भी इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा अगली जॉब अपडेट इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक के लिए। डियर फ्रेंड मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।